हेलो दोस्तों, तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बेस्ट ड्रिल देने जा रहा हूं पबजी मोबाइल से रिगार्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर से ये आना चाहिए। तो गाइज़ मैं अपनी इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जिगल मूवमेंट कर सकते हो पबजी के अंदर, और साथ ही साथ गाइज़ मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे जिग जैग स्प्रिंट भी कर सकते हो। तो गाइज़ ये दोनों ही ड्रिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पबजी मोबाइल के अंदर। गाइज़ सीरियसली अगर आप ये ढंग से सीख जाते हो तो आपको क्लोज कॉम्बैट में कोई भी डिफेट नहीं कर पाएगा। तो गाइज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा प्यारे से व्यूअर से कि भाई चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज हम आ गए अपनी पबजी लॉबी के अंदर सिंपली, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जिगर मूवमेंट करने के लिए या फिर आप स्प्रिंट जिगजैग मूवमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जॉयस्टिक जो है वो उसका साइज़ छोटा करना होगा। आप साइज़ रख सकते हैं 75 से 80 के बीच या फिर 90 के बीच में, अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे आप ऐसा साइज़ रख सकते हैं। मैंने अभी अपना जो है वो 80 के समथिंग साइज़ रखा हुआ अपनी जॉयस्टिक का, देख सकते हैं जो है मेरा बटन साइज जॉयस्टिक का जो है वो 80 पे मैंने रखा हुआ। तो आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं, क्योंकि गाइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जॉयस्टिक अपना जो है वो छोटा नहीं करोगे तो आपका मूवमेंट जो है वो आप जिगजैग नहीं कर सकते आपके बड़े जॉयस्टिक के साथ में, और भी कई सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। तो गाइस मैं ये कहाँ पर आ गया, तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी वहीं पर अपनी ट्रेनिंग कैंपिंग के अंदर, और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से जिगजैग मूवमेंट कर सकते हैं पबजी मोबाइल के अंदर। तो गाइस सिंपली सपोज सेट मान लीजिए ये हमारी गन है, और गाइस मैं से रीलोड कर देता हूँ फटाफट से। तो जैसे कि सपोज सेट एक सेकंड, ये देख सकते हैं ये कवर है अपना, यहाँ पर ये अपना जो है वो कवर है, और इसके पीछे जो है वो हमारा इनेमी बैठा हुआ है या फिर काउच लेके इस तरीके से पीक ले रहा है। तो अगर हमें जिगजैग मूवमेंट करना है तो गाइस किस तरीके से करेंगे, तो सिंपली गाइस छोटा जॉयस्टिक है, अगर आप सिंपल इस तरीके से भागेंगे तो आपको जो इनेमी जो है वो आसानी से मार देगा, कोई भी प्रॉब्लम उसे नहीं होगी। लेकिन गाइस अगर आप यहीं अगर आप जिगजैग करते हो या फिर आप जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा भागते हो तो इनेमी आपको नहीं मारता। अगर जिस तरीके से गाइस ये देख सकते हैं, अगर आप इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा भागोगे तो गाइस आपको इजीली इनेमी नहीं मार पाएगा, उसका जो क्रॉस एयर है वो आप पर लॉक नहीं हो पाएगा। तो गाइस ध्यान में यही रखना है कि सपोज दैट जैसे कि इस डुब्बी के पीछे आपका इनेमी है तो आपको कभी भी सीधा नहीं भागना है, आपको टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से भागना है जिससे कि गाइस उसका जो है वो ध्यान भटके, और सिंपली पास आने के बाद में जंप कर सकते हैं, क्राउच कर सकते हैं, प्रोन कर सकते हैं, और गाइस जैसे आप चाहें वैसे मार सकते हैं, आप इजीली अपने बंदे को इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, और आप इजीली आप जो है वो अपना जो है वो जिगजैग मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं गाइस मैं टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिल है गाइस पबजी की, और अगर आप ये सीख गए तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ गाइस आपको कोई भी आसानी से इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर पाएगा। और ख़ास तौर से गाइस ये मिड रेंज और क्लोज कॉम्बैट में सबसे ज़्यादा कारगर होती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो गाइस आपको ये मिड रेंज और क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर दूर से भी कोई आपको स्प्रे दे रहा है तो इस मूवमेंट के ज़रिए आप पे स्प्रे की जो है एक आध दो बुलेट ही लगने वाली हैं, सारी बुलेट आप बच जाओगे अगर इस तरीके से आप भागते हो तो। तो गाइज़ ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इस मूवमेंट को सीख सकते हैं। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी ड्रिल की, जो कि है जिगल मूवमेंट। इसके लिए गाइज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइज़ आपको जो है वो अपना जॉयस्टिक है वो छोटा करना होगा। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, अभी गाइस मैंने 80 पर रखा था अपना जॉयस्टिक, आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं साइज इसका। अब गाइस इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा फास्ट लेफ्ट राइट, जैसे कि गाइस देख सकते हैं अभी मैं स्लो कर रहा हूँ, आपको ये जितना हो सके उतना ज़्यादा फास्ट करना है गाइस क्लोज कॉम्बैट के अंदर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब गाइस सपोज दैट मान लीजिए हमारे सामने बंदा है, अगर आप सिंपली खड़े होकर फायर देंगे तो गाइस आपको बंदा आसानी से ख़त्म कर देगा, क्योंकि आप खड़े हुए हो और आपका उसका जो एनिमी का क्रॉस एयर वो आप पे इजीली लॉक हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप जिगल मूवमेंट करते हो इस तरीके से तो आपको वो बंदा आसानी से नहीं मार पाएगा, क्योंकि गाइस आपका जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है लेफ्ट राइट। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी तेज़ आप कर सकते हैं इसे, और इससे फ़ायदा ये होता है गाइस कि जो सामने एनिमी है उसका क्रॉस एयर आप पे लॉक नहीं हो पाता, गाइस आप इजीली बंदे को ख़त्म कर देते हो। काफ़ी सारे लोग जो है वो सिंपली ऐसे खड़े होकर भाई एक तरीके से स्प्रे देते हैं, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है मेरे हिसाब से गाइस, ये आपको सबसे ज़्यादा नूब बनाती है चीज़, और हम ही है प्रो और हम ही है खिलाड़ा,
तो इसलिए हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी खिलाड़ा बना दें। तो इसीलिए गाइस ध्यान रखिएगा कि इसे ज़रूर से अप्लाई कीजिए, और इससे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस ड्रिल की उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो फास्ट हो जाएगी मूवमेंट, और गाइस आप इजीली बंदे को ख़त्म कर सकते हो। अब गाइस ये तो होगी क्लोज कॉम्बैट की बात, कि क्लोज कॉम्बैट में आपको सिंपली लेफ्ट राइट करना है जल्दी जल्दी, जितनी ज़्यादा हो सके आप उतनी जल्दी जल्दी करना है। और ध्यान रखिएगा इस क्रॉस एयर का जो स्प्रे है वो आपको एनिमी को लगना चाहिए, बुलेट ज़्यादा स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। तो कैसे देख सकते हैं जैसे कि आप सिंपली लेफ्ट राइट करके इस तरीके से आपको बंदे को ख़त्म करना है। और गाइस अब बात करते हैं मीडियम रेंज के लिए, अगर मीडियम रेंज में अगर आपको जिगल मूवमेंट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब मीडियम रेंज के लिए गाइस इतना फास्ट तो आप नहीं करेंगे, सपोज डेट मान लीजिए बंदा है तो आपको स्लो इस तरीके से आपको करना है जिगल मूवमेंट। आप जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा इधर लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा लेफ्ट, इस तरीके से आपको गाइस थोड़ा स्लो करना है, इतना फास्ट नहीं करना जितना कि आप क्लोज कॉम्बैट में खड़ते हो। तो गाइस सिंपली ऐसे हमारे बंदा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैं गाइस कर रहा हूँ देख सकते हैं जैसे कि आप, तो थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, क्योंकि गाइस अगर आप ज़्यादा तेज़ करोगे फास्ट अगर मीडियम रेंज के लिए तो आपका जो है वो स्प्रे लगेगा ही नहीं सामने वाले बंदे को, और आपका जो है वो बहुत ज़्यादा बुलेट जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो इसलिए गाइस ध्यान रखना है मीडियम रेंज के लिए आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना है, ज़्यादा नहीं करना है गाइस, और आपकी जो बुलेट्स हैं वो लगनी चाहिए बंदे के। और गाइस आपका जो क्लोज कॉम्बैट है उसमें तो आपको फास्ट करना है, जितना ज़्यादा फास्ट हो सकता है उतना ज़्यादा फास्ट कीजिए, और गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब गाइस आपको ध्यान रखना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हो तो गाइस ईजिली आप इन ड्रिल्स में जो है वो प्रो बन जाओगे। तो गाइस मैंने जितने भी ये दो ड्रिल्स बताए हैं अगर आप इनके ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो गाइस आप ईजिली कि आप जो है वो प्रो बन जाओगे इन दोनों ही ड्रिल्स के अंदर, और आपको ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा इनको सीखने में। बहुत ही सिंपल सी ईजी सी ड्रिल्स हैं, आप ईजिली इन्हें सीख सकते हो। तो गाइस यार ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नोचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर एक और नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।